हेलो गाइस दिस कुणाल सिंह धारीवाल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द प्रॉप डेस्ट ट्रीडर सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे इस छोटे से चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए uh, मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में बताया था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप सभी लोगों की तरफ से मिल रहा है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए मेरे इस चैनल पर और मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँगा तो आप सभी लोगों के डिमांड पे मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ मुझसे एक्चुअली बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि हम प्रॉप फॉर्म को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को ऑफ हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर राइट right? तो uh, प्रॉप ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है uh, आप चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो चाहे बी कर रहे हो बी कर रहे हो चाहे आप बिजनेस हो आप प्रॉप ट्रेडर बन सकते हो बट uh, एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा uh, वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यू मस्ट हैव योर ग्रेजुएशन डिग्री योर ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीट राइट सेकंड इज यू मस्ट है आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक नॉलेज एन आई एस एम के बारे में आप लोगों को दे देता हूँ कि एन आई एस एम क्या है सो एन आई एस एम स्टैंड फॉर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एन आई एस एम एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि सेवी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इन टू थाउजेंड सिक्स इस बॉडी का काम क्या है दिस बॉडी इज फॉर द रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग प्रोफेशन इन इंडिया फाइनेंशियल uh, मार्केट के अंदर जितने भी प्रोफेशन हैं लाइक ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिटायरमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जितने भी ट्रेडिंग uh, प्रोफेशंस हैं उन सबको रेगुलेट uh, करने का काम करता है एन आई एस एम राइट इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एन आई एस एम ने अपना कैंपस इनाग्रेट किया था जिसमें कि वो फुल ड्यूरेशन कोर्सेज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज ऑफर करता है

कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करी जाती है इन दो सेगमेंट में जनरली ट्रेडिंग नहीं होती है इंडिया के अंदर बट uh, अगर आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है तो आप इन दो एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं राइट द थर्ड क्राइटेरिया इज़ यू हैव टू लर्न एम एस एक्सल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया एक्चुअली यू कैन सेिस हेल्प्स यू to increase your chances to get selected as a trader in a prop firm right uh, there are many uses of excel during trading uh, so you need to learn ms excel from basic to advanced right so these are the only steps this is the criteria these are the only steps you have to take in order to become a prop trader right okay कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ जिससे कि और ज्यादा बेटर करियर आप अपना ट्रेडिंग प्रोफेशन में बना सकते हैं अगर आप अपनी इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास में हैं या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं देन यू कैन प्रिपेयर फॉर सी एफ एग्जामिनेशन और यू कैन प्रिपेयर फॉर एफ और यू कैन गो फॉर सी एम के एग्जामिनेशन दीज आर सम्जाम्स विच हैवेंस वैल्यू इन दर्ल्ड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस Uh, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट uh, बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े से बड़े प्रॉप फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया आप प्रॉप फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं uh, अगर इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मिलेगी इंटरव्यू के वक्त राइट बट अगेन दीज आर द हायर लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन नॉट वेरी इजी टू क्रैक यू नीड वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क ओके the second option is agar want ye exams these exams, then better is complete your graduation and then enroll for mba mba in finance or mba in securities market right mba साथ साथ, you can enroll yourself you have to enroll yourself in a short duration course of data science uh, this course this course have स वैल्यू इन वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट ऑफ ए आई एंड ए आई इज ओनली एंड ओनली डेटा राइट तो आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ऑल्सो प्रोवाइड पी जी कोर्स इन डेटा साइंस राइट दे कॉल दिस कोर्स as data साइंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स दिस is द fully डेडिकेटेड कोर्स टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस और टू द वर्ल्ड ऑफ trading राइट तो इस कोर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में मिल जाएगी वहाँ पर इसकी फीस कितनी है और आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज अगर आपको लेनी है तो उसकी फैसिलिटी भी

छोटा uh, right? so, सा बेसिक कंटेंट है जो आप डेटा साइंस के अंदर पढ़ेंगे वो मैंने आपको बेसिक में बताया uh, जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एन आई एस एम के पोर्टल पर जाके आपको सर्टिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना तो एग्जाम के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है सर्टिफिकेशन डॉट एन आई एस एम डॉट ए सी डॉट इन इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसमें आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो आपके सामने आएगा इस पर उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू अकाउंट पर न्यू अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगा इसमें बताया गया है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त ओके पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आएगा ये फॉर्म आप लोगों ने फिल कर देना है फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे लगभग एक से दो दिन लगेगा आपकी प्रोफाइल को अप्रूव होने में जैसे ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी आपको आप, आपको आपके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू आपको आपका आई और पासवर्ड मिल जाएगा आई पासवर्ड मिलने के बाद आपको सेम पेज पर आना है और अपना ई एड्रेस आपको अपना आई और पासवर्ड यहाँ पर डालना है डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है लॉगिन करेंगे तो आपका आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसके बाद आपको क्लिक करना है एनरोलमेंट पर एनरोलमेंट पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे इनमें से हमें सिर्फ तीन एग्ज़ाम्स का रिक्वायरमेंट है एन आई एस एम मूडी सर्टिफिकेट एंड मार्केट स्ट्रैटीज़ सीरीज एट इक्विटी डेरीवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन सीरीज सिक्सटी कमोडिटी डेरीवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन राइट तो एक बार में आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम अप्लाई करते हैं सीरीज सिक्सटीन कमोडिटी डेरीवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं गया प्रोसी टू टेस्टिंग सेंटर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ़ पेमेंट मैं आपको बता दूं कि एन आई आपसे फ़ीस चार्ज करता है एग्ज़ाम uh, कंडक्ट करवाने की uh, वो लगभग पंद्रह सौ रुपये पर एग्ज़ाम uh, फीस एन आई आपसे लेगा तो मोड ऑफ़ पेमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद अवेलेबल एग्ज़ामिनेशन सिटी यहाँ पर आपको अपनी सिटी uh, सेलेक्ट करनी है इन केस अगर आपकी सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको अपनी सिटी के नियरेस्ट सिटी जो भी है जो भी आपको यहाँ पे नियरेस्ट सिटी दिखती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ देहरादून देहरादून सेलेक्ट करने के बाद मुझे सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है देहरादून राजपुर रोड एन एस सी आई टी यहाँ पर पूरा एड्रेस मेरे सेंटर का आ जाएगा इसकी फ़ोटो आप लोगों ने ले लेनी है उसके बाद आपसे पूछा गया है अवेलेबल फ्रॉम डेट आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है डेट की कि आप कब से कब तक अवेलेबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो फॉर uh, एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूं 29 सितंबर टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर एक महीने की मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है इस बीच में uh, एग्ज़ाम देने देने में कंफर्टेबल हूं राइट आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी uh, रेंज uh, सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू एग्जाम टाइम सेलेक्शन तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे टाइम स्लॉट आपके सामने आ जाएंगे आपको अपने अकॉर्डिंगली अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेना है अपनी डेट डेट वाइज ये सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्वेल्थ ट्वेल्थ अक्टूबर थर्सडे साढ़े तीन से साढ़े पाँच बजे तक ये मेरा टाइम सुटेबल टाइम है जिसमें मैं एग्जाम देने में कंफर्टेबल हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल फॉर द एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं राइट तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल फॉर द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जब एनरोल करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा uh, यहाँ पे आपसे पूछा गया है जी एस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेम एज़ प्रोफाइल एड्रेस और उसके बाद आपको नीचे जाना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अ सीट ओके क्लिक कर देना है और फिर आपको ले जाया जाएगा पेमेंट गेट वे पर और यहाँ से आपको अपनी पेमेंट कर देनी है पेमेंट ही कर देंगे तो आप एनरोल enroll, आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको वापस आना है अपनी प्रोफाइल पे और आपको जाना है माय एग्ज़ामिनेशन माय एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका आपके सामने आपका एनरोमेंट नंबर वगैरह आ जाएगा राइट तो मेन uh, चीज़ जो है वो ये है कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एन आपको स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर जाके आप वो स्टडी मटीरियल डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे आप डाउनलोड करेंगे वो पी डी एफ कम्प्लीट पी डी एफ आपको मिल जाएगी उस पी डी एफ से आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी है राइट और उसके बाद आपको अपना माय एनरोलमेंट्स पे जाएंगे तो माय एनरोलमेंट्स पे आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है इस एडमिट कार्ड को आपको अपने साथ रखना है एग्जाम एग्जाम के वक्त राइट तो ये सारा प्रोसेस है ये कंप्लीट प्रोसेस है कि कैसे आपको अप्लाई करना है एन आई सर्टिफिकेशन के लिए आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो टू य कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद